हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलकेआई लर्न में। तो आज हम जानेंगे योग दिवस पर निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है। अगर हम योग के इतिहास की बात करें तो योग की शुरुआत भारत में पूर्व वैदिक काल में हुई मानी जाती है। योग भारत की धरोहर है और ये हजारों साल से भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा रहा है। योग दिवस का उद्देश्य ही समस्त विश्व में योग से होने वाले लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज के प्रदूषित वातावरण में योग का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि योग एक ऐसी औषधि है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। योग के कई आसान क्रियाएं लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाने में सक्षम साबित हो चुके हैं। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अनूठी कला का आनंद लेने के लिए मनाया जाता है। जून 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने राजपथ पर उत्साह के साथ यह दिन मनाया। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में कई बड़े और छोटे योग शिविर भी आयोजित किए गए थे। इस पवित्र कला का अभ्यास करने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में इन शिविरों में हिस्सा लिया, न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया और लोगों ने बड़े उत्साह से इनमें भाग लिया। तब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल बहुत उत्साह से मनाया जाता है। योग निश्चित रूप से एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर पर ही योग करके विभिन्न बीमारियों से छुटकारा
पा सकता है तथा यह व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मजबूत करता है। योग को अपनाकर ही हम एक श्रेष्ठ भारत तथा स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।